हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड। तो यह है मंगलवार का वीडियो मेरा। तो देखिए, सब्जी लेके आए थे तो देखिए उनमें टमाटर नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं। और चूहे ऐसा किसी के घर में ना करें जो मेरे घर में आज कर गए, क्योंकि सारे मंदिर को फैला के चले गए। यहाँ पर रख दिए थे मेरी बहन ने, यहाँ पर कुछ किशमिश रख दी थी भोग लगाने के लिए, तो वही खाने के लिए सारे चूहे सभी मूर्तियों को मेरी को फैला गए, सारे सामान को फैला गए। और नहा धो के मैं आई, बस मंदिर को साफ़ किया, उसके बाद आगे मैं किचन में बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। बच्चों के लिए यहाँ पे मैं पराठे बना दूँगी और आलू बॉयल कर दिया है मैंने, आलू फ्राई कर दूँगी थोड़े से, तो बच्चे लेके चले जाएंगे। ऐसा बस मैं नहा धोकर बस आ जाती हूँ खाना लंच बनाने के लिए बच्चों के, क्योंकि बच्चों को जल्दी जाना होता है, जगाना भी है अभी उन्हें। और मैंने देखा तो बस जग के आई थी, मैंने देखा तो मंदिर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतना उद्दम कर रहे हैं चूहे जो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है हमको। हम उनके लिए दवा इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि पाप चढ़ेगा हम पर, मैं हम इसलिए उनके लिए दवाई नहीं दे रख रहे हैं। हम मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए हम दवा नहीं रख सकते हैं। वैसे ही हम पिंजड़े में बंद करते हैं तो यहाँ पर कहीं दूर दूर जाना पड़ता है उन्हें छोड़ने के लिए, तो कोई जाता भी नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा ही आटा लगा रही हूँ अभी, और बाद में लगाऊँगी क्योंकि बच्चों के लिए पहले फटाफट से बना दूँगी। तो फ्रेंड वीडियो पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए और मैं भी एक अच्छी यूट्यूबर बन जाऊं। और कमेंट बॉक्स में बताया करिए कैसा वीडियो लगता है। आटे को थोड़ा देर तक मार देना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मरता है, रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो अभी बस मैं जगी हूँ और कोई भी नहीं जगा है, तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पराठे। बच्चों को अभी मैं बाद में जगाती हूँ, पहले उनका लंच तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जब जगाऊँगी तो लंच नहीं कर पाऊँगी तैयार, तो इसलिए मैं पहले लंच तैयार करती हूँ उसके बाद उनको जगाती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लग गई फटाफट से लंच बनाने के लिए। लंच में बस पराठे बना देती हूँ और आलू फ्राई कर दूँगी। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है और अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरे बच्चे कितना ज़्यादा उद्यम करते हैं, बहुत ज़्यादा। और वीडियो पूरा देखना। ऐसा है फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग की भाग दौड़ तो बहुत ज़्यादा होती है। अगर जीवन में हमें कुछ करना भी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये हमेशा से ही सबकी बात रहती है। इतनी जल्दी मंजिल हासिल किसी को नहीं होती, तो इसलिए मैं अपनी पूरी पूरी मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। जिस दिन यूट्यूब पर मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा हो जाएगा। तो देखिए बस बच्चों का लंच पैक किया, बच्चों को जगाया तैयार किया और बच्चों को ये छोड़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चे कुछ चश्मा भी लगा के जा रहे हैं क्योंकि आँखों का फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो फ्रेंड देखिए बच्चों को कर दिया बाय बाय और फिर मैं आ गई लंच खाना बनाने के लिए। खाने में आज मैं राजमा बना रही हूँ, सब्जी बना दूँगी उसके बाद मैं पूजा करूँगी, क्योंकि पहले सब्जी पकती रहेगी ना, तो इसलिए फिर मैं बाद में पूजा करती रहूँगी आराम से। राजमा है थोड़े, पहले भी मैंने बॉईल करके रख लिए थे। टमाटर की तो क्या ही बात करूँ क्योंकि इतने महंगे हो रहे हैं, 200 रुपये किलो, तो उन्हें तो लाना ही मुश्किल है। तो यहाँ पे बस मैं सिंपल सी सब्ज़ी बनाई हूँ राजमा की, बिना टमाटर के। तो यहाँ पर मैंने प्याज मीडियम साइज़ का, 2 से 3 हरी मिर्च डाल दी, यहाँ पर डाल दिए मैंने मसाले घोल कर, जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च डाल दी मैंने घोल के। अच्छे से मैं इसी मसाले को यहाँ पे पका लूँगी। मैं इसमें ना दही भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि दही मैंने रात को जमाई नहीं, मैं भूल गई थी। अभी किचन पर देखो कितना सारा सामान रखा हुआ, क्योंकि बच्चे अभी गए ना स्कूल तो चाय पानी उनको पिलाया, अभी मैंने साफ़ नहीं किया है क्योंकि पहले मैं सब्ज़ी यहाँ पर छौंक देती हूँ तब उसके बाद करूँगी। तो इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच भर के नमक, थोड़ा मैंने राजमा में भी डाल दिया था इसलिए यहाँ पर मैं कम डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला और राजमा जो मैंने बॉईल करके रखे थे कुकर में, तो इसमें से यहाँ पे मैं डाल दूँगी। पानी साथ में डाल देती हूँ राजमा के, मैं उसे फेंकती नहीं हूँ। तो राजमा देखिए कितने अच्छी तरह से पक गए हैं। इसको ज़्यादा पतली नहीं करूँगी क्योंकि टमाटर नहीं है तो ये ना स्वाद नहीं लगेगी, ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं ना इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी खटाई, बस यहाँ पर खटाई डाल दूँगी और थोड़ा सा और पानी कर दूँगी, बस बन जाएगी हमारी सब्ज़ी। ऐसा थोड़ा राजमा खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं, या इमली का पल्प डाल दो आप, तो मैं इमली का ही यहाँ पे इमली ही डालूँगी, उसका पल्प तो नहीं निकाल के डालूँगी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा और पानी कर दिया, इसमें ज़्यादा नहीं करूँगी। अब इसको पकने के लिए रख दूँगी, इसमें खदक भी आने लगी हैं। इसको बस 20 से 25 मिनट तक बनने दूँगी, बन जाएगी सब्ज़ी। और फाइनली देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसमें।
राजमा को मैंने तोड़ दिया था ना, तो ऐसे गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी बन गई, ऐसा पता ही नहीं चला कि हमने इसमें टमाटर नहीं डाले हैं। आप खटाई या अमचूर पाउडर डाल देते हैं तो इसमें पता नहीं चलता है। बस बच्चों को लेके आ गई थी स्कूल से, दोपहर के बज गया था एक, और देखिए ये छोटी वाली बेटी कितनी मस्ती कर रही है। बस इनको लेके आते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगी आती है, तो मैं इनकी आते ही ड्रेस निकालती हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ते बैठे बैठे रोने भी वहाँ पे लग जाते हैं लाइन में। इसको देखो कितनी ज़्यादा मस्ती कर रही है कैमरे के सामने उछल कूद। मैंने यहाँ पे वॉइस कम कर दिया, क्योंकि वरना ये ना पता नहीं क्या क्या, और शूज पहन कर ही चढ़ गई बेड पे। मैंने इसे डांटा, नीचे उतारा, मैंने कहा चल इधर आ, मैं ये ना अपना ड्रेस भी नहीं निकलवा रही थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब इन्हें लेके आती तो धूप भी हो जाती है 1 बजे तक। तीनों बच्चे आ गए, तीनों को लेके बैठ गई, और देख कितनी सारी मस्ती चलती है हमारी। जब ये तीनों बहन इकट्ठी हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा मस्ती करती हैं। अब वृंदा है, वृंदा तो मेरी इंतजार करती है कि मेरी कब दिव्या सृष्टि बहन आए, कब मैं उद्यम करूँ उनके साथ। तो बस मैं इनकी यहाँ पे जूते ड्रेस निकाल दूँगी, और बस मैं इनको खाना भी खिलाऊँगी यहाँ पे। अभी बस ये ना पूरा लंच खा के नहीं आती हैं। छोटी वाली बेटी ना सृष्टि, वो तो आधा लंच करके आती है, बड़ी वाली तो खा के भी आ जाती है। लेकिन उसको क्या है, वो कहती है कि मम्मा मेरे लिए मैगी बना दो, पर बच्चों को डेली डेली मैगी देना भी नुकसान है, क्योंकि उनके लिए पेट में ज़्यादा फ़ायदेमंद तो फूड है नहीं है उसे दें तो। इसलिए मैं उन्हें ज़्यादातर मैगी वैगी नहीं देती हूँ, ज़्यादातर परांठे आलू की सब्ज़ी या जो भी घर में सब्ज़ी बनती है वही सब्ज़ी दे देती हूँ, कोई अलग से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जो हम खाते हैं वही बच्चों को खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके लिए फ्रेंच फ्राइज बना दीजिए, पकौड़े, ऐसे ऐसे नहीं बनाना चाहिए। बस बच्चों को रोटियाँ दे देनी चाहिए, कम से कम बच्चे एक रोटी तो खा के आएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रेस भी खड़ी करके रख दी बच्चों की, और देखिए आते ही खाने लगी। बस मैंने कहा बच्चे हाथ तो धो ले, मैं इसका हाथ मुँह धुलाने जा रही हूँ। ड्रेस को रख दिया मैंने अलमारी में, मना कर रही थी, ये ना सौंस बहुत ज़्यादा खाती हैं, सौंस से संग परांठे, और डांस कर करके दिखा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। अब मैं इसके हाथ मुँह धुला के लेके आ गई हूँ, अब मैं इसको खिला दूँगी यहाँ पे खाना जो बच के आया है। ये ना बस थोड़ा सा ही खा के आई थी, एक टुकड़ा बस परांठे में से, कुछ नहीं खा के आई थी। मैंने कहा चल बेटा मैं खिलाती हूँ, इतनी ज़्यादा मक्कार है, कह रही थी मम्मा मैं सब्जी से खाऊँगी, तो मैंने यहाँ पर नहीं खाया इसने। तो मैं इसके लिए लेके आई थी राजमा आलू की सब्ज़ी, और मैं इसे खिला दूँगी यहाँ पर। दोनों बेटी बैठ गई हैं, तो देखिए एक तो लेके भाग जाती है, परांठे को लेके भाग भी गई। तो छोटे मोटी हंसी गुस्सी चलती रहती है, हमें ऐसा ही अपना दिन काट लेती हूँ बच्चों के साथ ही। बच्चों के साथ कभी अकेला महसूस नहीं होता है, ऐसा है कि हम ससुराल में रह रहे हैं तो हमें अकेला महसूस होता है। बच्चों को खाना खिला के बस मैं लग गई थी उनका होमवर्क कराने के लिए, और देखिए बच्चों को इस तरीके से कुछ होमवर्क दिया जाता है जो मैं कराती हूँ घर पर, मुझे भी कराना पड़ता है तभी कर पाते हैं। तो देखिए इस तरीके का यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है, इसको यहाँ पे घर बनाना है मुझे। तो ये ना मेरी छोटी वाली सृष्टि को मिलता है, वो है अभी नर्सरी में। तो देखिए यहाँ पे उनको बस घर बनाना होता है, तो मैं उसी का यहाँ पे बना दे रही हूँ। तो ये ना झोंपड़ी बनानी थी मुझे, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से झोंपड़ी बना दी है, उसे जैसे मैम बनाती हैं उसी तरीके से बनाए तो ठीक है, वरना उसे पसंद ही नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे बना दिया, बस मैं यहाँ पे घर सारे बना दूँगी इस तरीके से, घर कभी टफ कभी जग, इस तरीके से बनाने होते हैं, और वो अपना आप शब्द लिख लेगी। मैं बस ड्राइंग किए बना दूँगी, क्योंकि अभी उसे बनाना नहीं आता, और देखिए थोड़ा सा ख़राब भी हो गया तो उसने साफ़ भी कर दिया। बच्चे बड़े चालाक हैं आजकल के, छोटे छोटे भी, मतलब उनके लिए कुछ बनाओ तो कहते हैं मम्मा इस तरीके से बनाओ। इधर से खिलाऊंगा, अब बच्चे आए ट्यूशन से और न थोड़ा टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। बस रात के बजे थे 8, खाना हमने खा लिया। खाने में बस राजमा चावल बना लिए थे, सुबह के राजमा की सब्जी रखी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे लेके आए हैं सब्जी हस्बैंड जी, आलू प्याज, और देखती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। वैसे तो थैला भर के लेके आए हैं, बस इसमें टमाटर नहीं होंगे, क्योंकि आज सब्जियाँ सही थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी। उस दिन सब्जियाँ महंगी होती हैं, उस दिन तो 2-3 सब्जी लेके आते हैं। तो यहाँ पर टमाटर की जगह मैंने मंगा लिए थे नींबू। मैंने कहा कोई कोई सब्ज़ी ऐसी होती है उसमें नींबू डाल लेते हैं, तो हरी मिर्ची, नींबू, यहाँ पे खीरा, यहाँ पे देखिए बैंगन भी लेके आए हुए हैं, तोरई भी, लौकी भी लेके आए थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी लौकी हैं, 2 छोटी छोटी सी। मैं दिखाती हूँ अभी आपको थैले में से निकाल के, अगर 4-5 सब्ज़ी लेके आओ तो थैला ही चाहिए, वरना एक हाथ से तो गिर भी जाएंगी।
तो मैं इसलिए उनको थैला दे देती हूँ। तो ये ना थैला मेरी मम्मी ने बनाया हुआ था, मेरी मम्मी सिलाई करती हैं। तो देखिए सब्जी यहाँ पे इकट्ठी कर ली, कुछ मैंने अभी ग्रोसरी का सामान बना मंगाया हुआ है और मैं यहाँ पे बस सब्जी निकाल रही थी, वो लेने चले गए थे सामान क्योंकि नहीं था घर में कुछ भी सामान। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये ना रसगुल्ले गुलाब जामुन के 2 पैकेट लेके आए हुए हैं, कह रहे थे कि ये बना लेना रसगुल्ले, मैंने पहले भी बना के ट्राई किया हुआ है। और देखिए कस्तूरी मेथी नहीं थी मेरे पास सब्जियों में डालने के लिए, कस्तूरी मेथी कुछ चने बने चीनी वीनी ये चाट मसाला, जब हम चाट बनाते हैं ना बहुत ही टेस्टी लगती थी इसलिए मैं चाट मसाला मंगाया। छोटा मोटा सा सामान था बस, मैं इसी ड्राम में रख देती हूँ क्योंकि मुझे बार बार निकालना पड़ता है डिब्बों में से, तो मैं इसी से तुरंत ही तुरंत यहाँ पर निकाल लेती हूँ क्योंकि हम दोनों बहन खाना बनाते हैं तो किचन में ज़्यादा जगह भी नहीं रहती है डिब्बे रखने के लिए, तो मैं इसी डेग में भर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे सारा सामान इस डिब्बे में लगा दूँगी। ये मिक्स दाल लेके आए हुए हैं, मिक्स दाल बहुत अच्छी लगती है, सब तरह की दाल इसमें हो जाती है, बस बना दीजिए तड़का लगा के। और बस देखिए यहाँ पे सारा सामान निकाल दूँगी। चावल चीनी लेके आए हुए हैं, इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा 2-2 किलो लेके आते हैं क्योंकि ना डेली डेली ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता इतना अपने काम पे से, तो इसलिए हम थोड़ा इकट्ठा सा सामान मंगा लेते हैं। फिर भी मैंने आज तो थोड़ा कम ही मंगाया हुआ है। और देखिए सब्जियों को धुल के रख दिया था मैंने, कितनी प्यारी लग रही हैं एक परात में, मत चलने वाली परात है ये छेद वाली, इसमें धुल के रख दिया है। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक कर देना और लाइक शेयर कमेंट करना, वीडियो में कमेंट जरूर करना कैसा लगा।